program has come to you from the United States of America. You are listening to the Voice of America from Washington, D.C. The Voice of America. The following program is in Hindi. श्रोताओं को पुष्पा अग्निहोत्री का नमस्कार। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से शो के 13, 16, 19, 25, 31, 42, 49 मीटर बैंड पर बोल रहे हैं। इस समय यहाँ बृहस्पतिवार रात के 8:30 बजे हैं और भारत में शुक्रवार सुबह के 6। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है जो 1 घंटा चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अलावा इसमें सुनिए नेटो, पूर्व जर्मनी, कश्मीर, श्रीलंका और बर्मा के बारे में रिपोर्टें और कार्यक्रम अमेरिका दर्पण और आपकी चिट्ठी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। अब आप जगदीश वशिष्ठ से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति बुश ने नेटो से आग्रह किया है कि वो नेटो नेताओं की आगामी बैठक में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को निमंत्रित करें ताकि पूर्व पश्चिम सहयोग प्रदर्शित हो सके। भारत ने कश्मीर घाटी में मुस्लिम पृथकतावादियों का मुकाबला करने वाली सुरक्षा सेनाओं को व्यापक अधिकार दे दिए हैं और श्रीलंका उत्तर पूर्वी प्रांत में नए चुनावों के लिए मार्ग प्रशस्त करने पर विचार कर रहा है, जिससे तमिल पृथकतावादियों के एक मुख्य मांग पूरी हो जाएगी। दीजिए अब आप पूरे समाचार सुनिए। राष्ट्रपति बुश ने लंदन में नेटो शिखर बैठक से आग्रह किया है कि वो नेटो की अगली बैठक में राष्ट्रपति गोर्बाचोव को निमंत्रित करें ताकि पूर्व पश्चिम सहयोग प्रदर्शित हो सके। बुश ने यह भी सुझाव दिया कि नेटो की परमाणु सेनाओं का पुनर्गठन किया जाए ताकि एक रक्षात्मक रुख प्रतिबिंबित हो सके और कि परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल आखिरी उपाय के रूप में ही किया जाए। कल के अधिवेशन के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अटलांटिक गठबंधन ऐतिहासिक मोड़ पर है, जबकि नेटो पूर्वी यूरोप को लोकतंत्र के फैलाव को समर्थन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्री बुश के प्रस्तावों को आमतौर पर ठोस प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन शुक्रवार को शिखर बैठक की समाप्ति के लिए अंतिम दस्तावेज पर जो तैयार किया जा रहा है वास्तविक बहस हुई। बृहस्पतिवार सवेरे अपने भाषण में श्री बुश ने सुझाव दिया